हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में वहां करप्शन की क्या स्थिति है? क्या भाजपा के दावे के मुताबिक करप्शन खत्म हुआ है? इसके लिए ये दो कहानी सुनिए। पहली कहानी, साल 2014 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दो साल बाद साल 2016 में बीजेपी विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने एक शिकायत दी। यह साल 2015 में पंचकूला में हुए 13 प्लॉट आवंटन में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ा था। यह प्लॉट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जारी किए थे। साल 2019 तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा में बीजेपी की सरकार दोबारा बनी। ज्ञानचंद गुप्ता ने फिर इस मामले को उठाया और सीएम से सीबीआई की जांच की मांग की, जिसके बाद जून 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। आगे क्या हुआ होगा? सीबीआई ने कार्रवाई की होगी, इस मामले में गिरफ्तारी हुई होगी, है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल फरवरी 2024 में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सीएम खट्टर ने बताया कि जिस फाइल पर उन्होंने 1 जून 2020 को इस मामले को सीबीआई को भेजने की सिफारिश की थी, उसका पता नहीं चल पा रहा है। इस फाइल की गुमशुदगी को लेकर अगस्त 2022 में पंचकुला के सेक्टर 7 थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। इसी दिन यानी 25 अगस्त 2022 को एक और एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर को आगे चलकर प्रदेश की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को सौंप दिया गया। इसको लेकर जारी आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने मामले पर पुनर्विचार किया, मामले को सीबीआई को सौंपने की कोई जरूरत नहीं है, यानी यह मामला सीबीआई के पास गया ही नहीं। इस मामले में एसीबी ने क्या कार्रवाई की, यह जानने के लिए हमने उसके दफ्तर में फोन किया तो हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इस मामले को विधानसभा में लगातार उठाने वाले फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा इसको लेकर सुनिए क्या कह रहे हैं। ये सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, जिसका ताजा उदाहरण है पंचकुला के अंदर प्लाट अपटन घोटाला हुआ। स्पीकर साहब ने खुद लिखा उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके कागज ही गुम हो गए जिसकी एफआईआर दर्ज कराई सरकार ने। मैंने विधानसभा में वो पेपर प्रोड्यूस कर दिए और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने आदेश करने के बाद दो दो बार केस की सीबीआई जांच करे और बाद में पलट गए, उसको विजिलेंस के लिए एसआईटी बना दी। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कोई आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। अब दूसरी कहानी सुनिए। फरीदाबाद में हाल ही में 158 करोड़ रुपए के सीवर लाइन डालने के मामले में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इस मामले में टेंडर के दौरान गड़बड़ी की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 अगस्त को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओमदत्त को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद 16 अगस्त को उनका सस्पेंशन वापस ले लिया गया और दत्त 21 अगस्त को काम ज्वाइन कर लिया। 16 अगस्त को ही चुनाव आयोग ने प्रदेश में चुनाव की घोषणा की थी। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। साल 2015 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़खल विधानसभा क्षेत्र के एनआईटी 1, 2, 3 और 5 में नई सीवर लाइन डालने की घोषणा की थी, जिसका डीपीआर तैयार हुआ लेकिन कोरोना के कारण सारा काम रुक गया। साल 2022 में सरकार ने डीपीआर की मंजूरी दे दी। पहले 100 करोड़ का डीपीआर था जो आगे चलकर 158 करोड़ का हो गया। इस मामले में काम जमीन पर उतरने से पहले ही भ्रष्टाचार की नींव रख दी गई और इस सब का नतीजा यह हुआ कि बड़खल क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं डल पाई। लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। यह दो कहानियां बताती है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर किस कदर गंभीर है। वहीं न्यूज लॉन्ड्री के पास मौजूद दस्तावेज भी इसी तरफ इशारा करते हैं। 1 जनवरी 2015 से 30 नवंबर 2023 तक हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के 1536 मामले दर्ज किए हैं। सनद रहे कि ज्यादातर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज ही नहीं होते। खैर, आंकड़ों के मुताबिक एसीबी ने इस बीच 1140, वहीं हरियाणा पुलिस ने 396 मामले दर्ज किए। कुल मिलाकर 1536 भ्रष्टाचार के मामले इस बीच दर्ज हुए, यानी हर दो दिन में एक मामला भ्रष्टाचार का हरियाणा में सामने आया। इस दौरान सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले फरीदाबाद में दर्ज हुए, कुल मिलाकर 134। अगर टॉप 5 जिलों की बात करें तो दूसरे नंबर पर गुरुग्राम है
जहां से 132, तीसरे नंबर पर सोनीपत है जहां 105, चौथे नंबर पर हिसार जहां 101 और पांचवें नंबर पर करनाल है जहां 83 मामले दर्ज हुए हैं। अगर विभागवार दर्ज शिकायतों की बात करें तो सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस विभाग के खिलाफ दर्ज हुई है, यह आंकड़ा 366 है। दूसरे नंबर पर रेवेन्यू विभाग है जहां कुल 245 मामले दर्ज हुए। तीसरे नंबर पर पावर विभाग है, यहां 130 मामले दर्ज हुए हैं। शिक्षा विभाग में 51 मामले दर्ज हुए, इसमें से कई शिकायतें आईएएस अधिकारियों के खिलाफ भी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा करप्शन के मामले फरीदाबाद में दर्ज हुए, तो हम भी यहीं पहुंचे। फरीदाबाद के आरटीआई कार्यकर्ता रविंद्र चावला भी इसकी ताकीद करते हैं। वे खुद फरीदाबाद में आरटीआई के इस्तेमाल से कई करप्शन का खुलासा कर चुके हैं। फरीदाबाद जो है करप्शन के मामले में बहुत आगे है और यहाँ लगभग हर विभाग में करप्शन है और दो चार पाँच दिन में कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी करप्शन केस में पकड़ा ही जाता है। फरीदाबाद के एक मामले का जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। यहाँ पर साल 2022 में एक और भ्रष्टाचार का मामला काफी चर्चा में आया था, जब सीएजी की रिपोर्ट में फरीदाबाद नगर निगम में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया। इसको लेकर फरवरी महीने में हरियाणा के तत्कालीन शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया था कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की 31 मार्च 2021 की रिपोर्ट की पैरा 5.8 में टिप्पणी की गई थी कि फरीदाबाद नगर निगम ने 23.80 करोड़ का भुगतान किया, जिसके बदले कोई काम हुआ ही नहीं था। इसके अतिरिक्त अप्रैल 2015 से 2020 तक उसी ठेकेदार को 183.83 करोड़ की राशि वितरित की गई। इसमें फरीदाबाद नगर निगम की लेखा शाखा ने 104.30 करोड़ के भुगतान वाउचर लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराए, बाकी 79.53 करोड़ के वाउचर नहीं दिए। यह फरीदाबाद नगर निगम के कमजोर आंतरिक और वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है। यह सब साल 2015 से लेकर 2020 के बीच हुआ। फरीदाबाद नगर निगम के एक अधिकारी न्यूज लॉन्ड्री को बताते हैं, थोड़ी बहुत बेईमानी तो होती है, लेकिन ये लोग हद मचा दिए थे। जमीन पर कोई काम होता नहीं था और पैसे निकाले जा रहे थे। यह मामला भी एसीबी को जांच के लिए दिया गया। एसीबी ने इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज किए हैं। वहीं कई अधिकारियों को आरोपी बनाया गया, जिसमें कई आईएएस अधिकारी भी शामिल थे। हम इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी के लिए फरीदाबाद नगर निगम के दफ्तर पहुंचे तो पता चला कि इस मामले में जिन 4 कर्मचारियों की नौकरी गई है वो संविदा पर थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर। क्लर्क पंकज कुमार, प्रदीप, तस्लीम और जूनियर इंजीनियर राजन तेवतिया, इन 4 को नौकरी से निकाल दिया गया। बाकी 3 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, विशाल कौशिक, सतीश शर्मा और दीपक कुमार, जिनका मामला अभी चल रहा है। इस मामले में जेल गए और सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार ठहराए गए तत्कालीन चीफ इंजीनियर डीआर भास्कर 3 महीने के लिए जेल में भी रहे। जेल से आने के बाद वो नौकरी ज्वाइन किए और चंडीगढ़ से बतौर चीफ इंजीनियर रिटायर किए। ऐसे ही बाकी अधिकारियों का हाल रहा। इस मामले के ज्यादातर आरोपी अधिकारी रिटायर हो गए हैं या उनका ट्रांसफर हो गया है। इस मामले में आईएएस अधिकारी अतुल द्विवेदी, सोनल गोयल, अनिता यादव, यश गर्ग, नरहरि बांगर, वहीं हरियाणा सर्विस कमीशन के अधिकारी अमरदीप सिंह और आसमा सांगवान समेत अन्य का नाम था। इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इनकी अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग हो चुकी है। जबकि इसमें से सोनल गोयल के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी ने सेक्शन 17A पीसी एक्ट 1988 के तहत जांच के आदेश भी दिए थे। जिन अधिकारियों के नाम इस मामले में सामने आए थे उसमें से नरहरि बांगर अभी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में म्यूनिसिपल कमिश्नर है, वहीं आसमा सांगवान पलवल जिले में सीओ जिला परिषद है, यश गर्ग पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर है, सोनल गोयल अपने पुराने कैडर में वापस जा चुकी है, वो वर्तमान में नई दिल्ली में त्रिपुरा भवन में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर तैनात है। एक नेता पे उंगली नहीं उठी, क्या ठेकेदार और जई मिल के 200 करोड़ का घोटाला कर गए? फिर आपने क्यों तो इतने आईएएस अफसर भर्ती कर रखे हैं? कहाँ मंत्री गए, कहाँ मुख्यमंत्री गए? क्योंकि हर भ्रष्टाचार में सरकार खुद लिप्त है, इसलिए
हमारे हरियाणा के पैसे को ये लोग लूट लूट के खा गए, दीमक की तरह खा गए। FIR दर्ज कर दिया SEBI ने, लेकिन कोई अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि अधिकारी इनको डराते हैं कि हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, सरकार के आदमियों की पोल खोल देंगे। अब फरीदाबाद में हुए एक और कथित भ्रष्टाचार की कहानी जान लीजिए, जिसको लेकर साल 2021 से रविंद्र चावला हरियाणा सूचना अधिकारी के दफ्तर में भटक रहे हैं, बार बार RTI फाइल कर रहे हैं। यह मामला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित करने को लेकर है। इसमें 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में देना था। चावला का दावा है कि इसमें तकरीबन 40 लाख का घपला हुआ है। यही नहीं, इनकी RTI पर जवाब देते हुए स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जय सिंह बिश्नोई ने फरीदाबाद के DC को जाँच कर कार्रवाई के लिए कहा है। आयुक्त महोदय को मैंने एक RTI लगाई थी ये सिलेंडरों के बारे में, ऑक्सीजन सिलेंडरों के बारे में, जो इन्होंने लोगों को दिया था, और ये लगी थी 1/6/2021 को, और मेरे को इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जब इन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया तो मैंने इसमें अपील लगा दी। अपील लगाने के बाद भी इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, तो फिर मैंने इस मामले को कमीशन में, चंडीगढ़ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशनर के पास डाला। जब मामला बिल्कुल कमीशन के एंड पे पहुंचा, तो इन्होंने मेरे को 19/1/2023 को एक जवाब दिया जो कि सही नहीं था, सूचना सही नहीं थी जिसमें, और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होने की वजह से मैंने इस मामले को फिर कमीशन में उठाया, तो कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर सुनवाई करते हुए 10/5/2023 को एक आदेश पारित किए, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो इरेगुलरिटी है, विकास और जितेश नाम शर्मा सेक्रेटरी जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के, इनकी इंक्वायरी करी जाए। DC साहब को इन्होंने लिखा है, DC साहब के लिए लिखा है इन्होंने, और जो भी इसमें ऑफिसर जो भी इंक्वायरी में आती है डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। जो भी DC साहब ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैंने मजबूर होकर 1/4/2024 को फिर एक RTI लगाई और पूछा कि भाई इसकी जांच कब कब की आपने और कौन कौन इनमें इन्वॉल्व था, मेरे को कब बुलाया गया। तो इसका ना तो मेरे को DC साहब ने कोई जवाब दिया और ना ही इसमें मेरी कोई सुनवाई आएगी। उसके बाद मैंने फिर एक 20/5/2024 को अपील लगाई, फर्स्ट अपील पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस मामले को मैंने 28/6/2024 को इंफॉर्मेशन कमीशन चंडीगढ़ में डाल दिया है, जिसकी सुनवाई अब 1/12 को होनी निर्धारित हुई। एक तरफ BJP का दावा है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार में कमी आई, लेकिन आंकड़े और लोग कुछ और ही कह रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि अब भ्रष्टाचार कोई खास मुद्दा नहीं है, ना ही लोगों के लिए और ना ही मीडिया के लिए। फरीदाबाद के इस ऑटो चालक को ही सुन लीजिए। सर, मेरे को तो कोई बदलाव दिखता नहीं, मेरे को 40 साल उम्र हो गई। हर चुनाव में वादे ही होते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी करता कुछ है नहीं। सब अपने पैसे खाए, अपने घर पे बैठ गए। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।